असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए अगर आप ITR 4 फाइल करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में तो ये वीडियो आपके लिए है। कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अगर पूरा वीडियो आप देखेंगे तो एरर फ्री आप अपना रिटर्न को अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में ITR 4 फाइल करना। अगर आपको पता होगा तो असेसमेंट ईयर 2024-25 से न्यू टैक्स रिजिम बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिम हो गई है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं और आपका बिजनेस रिटर्न है या फिर आप ITR 4 फाइल करना चाहते हैं तो आपको पहले फॉर्म 10IEA भरना पड़ेगा। अगर आप फॉर्म 10IEA नहीं भरेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ITR नहीं फाइल कर सकते। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म 10IEA कैसे भरना है, भर के दिखाएंगे, उसके बाद ITR 4 कैसे भरना है वो भी पूरा फाइल करके आपको दिखाएंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए बट आपको डिटेल में हम समझाएंगे। ठीक है, अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं तो ITR 4 ऑलरेडी न्यू टैक्स रिजिम में कैसे फाइल करना है मैंने बना दिया है, आई बटन पर लिंक कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में स्पेसिफिकली ओल्ड टैक्स रिजिम ही डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको आना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पे आने के बाद आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करके खुद को लॉगिन कर लेना है। अगर आपने यूजर आईडी पासवर्ड नहीं बनाया है तो रजिस्टर पे क्लिक करके आपको खुद को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे करना है आई बटन पे वीडियो लिंक कर दूंगा, देख के आप खुद को रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। आपको दो डॉक्यूमेंट पहले चेक करने हैं, 26AS और AIS। ठीक है, कैसे चेक करना है, ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फॉर्म 26AS देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है और कंटिन्यू कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। नया टैब ओपन होगा, यहाँ पे आपको टिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद फर्स्ट वाला ऑप्शन है व्यू टैक्स क्रेडिट, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर और HTML चूज करना है, असेसमेंट ईयर 2024-25 और व्यू एज HTML करना है और व्यू डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे तो देख लीजिए यहाँ पे कुछ भी TDS वगैरह नहीं है। ठीक है, तो एक बार देख लेना कुछ TDS वगैरह तो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे AIS को चेक करेंगे। तो यहाँ पे AIS दिख जाता है लॉगिन करने के बाद, AIS पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक नया टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पे AIS पे क्लिक करेंगे और फाइनेंशियल 23-24 सिलेक्टेड रहेगा, नहीं रहेगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और एनुअल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको TDS की इन्फॉर्मेशन देख लेनी है, SFT की इन्फॉर्मेशन देख लेनी है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस में पेमेंट जो आपने किया रहेगा तो वो दिख जाता है, डिमांड एंड रिफंड जो रहता है वो यहाँ पे दिख जाता है और अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ अदर डिटेल्स रहते हैं वो भी यहाँ पे दिख जाते हैं। ठीक है, तो AIS में भी कुछ नहीं है, 26AS में भी कुछ नहीं है। अब हम फाइलिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ई फाइल सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, और करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। हम अभी फॉर्म 10IEA फिल करके देखेंगे कैसे फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म 10IEA पहले ही दिख जाता है बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले टैब में। फाइल नाउ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करना है। ठीक है, चूज करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है उसको आपको यस करना है, अगर आप नो करेंगे तो आप फाइल ही नहीं कर पाएंगे, आपको यस करना ही है। ठीक है, यस कीजिए। उसके बाद आपका ड्यू डेट क्या है वो सेलेक्ट कीजिए। अगर आप नॉन ऑडिट केस वाले हैं तो 31 जुलाई ड्यू डेट है, अगर आपका ऑडिट वाला केस है तो 31 अक्टूबर है और अदर केस है तो 30 नवंबर। ठीक है, अगर आप अभी फाइल कर रहे हैं मतलब 31 जुलाई वाला ड्यू डेट ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे तीन चीज़ें फिल करनी होती है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वेरीफिकेशन। ठीक है, तो बेसिक पे क्लिक करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, सीधा सेव पे क्लिक कर देना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे भी क्लिक करना है। ठीक है, तो जनरली जो ATLA वाले ऑप्शन है ना ये बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, अगर आपका ATLA वाला है तो आपको यस करके डिटेल डालना है, नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, सीधा सेव कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप डिक्लेरेशन और वेरिफिकेशन, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे बेसिकली आपको सेलेक्ट करना है सन है डॉटर है, फिर यहाँ पे फादर का नाम डालना है। ठीक है, यहाँ पे टिक करना है, यहाँ पे भी टिक करना है। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे प्लेस आपका डालना है और सेव पे क्लिक कर देना है। ये भी हो गया, अभी हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करिए, एकदम नीचे आना है यहाँ पे और प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करना है, इसको यस करना है। ठीक है, यस करने के बाद आधार OTP सेलेक्ट कर लीजिएगा पहला वाला ऑप्शन और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है और आधार OTP डालने के बाद जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे लास्ट बार पूछता है कि आप सबमिट करना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है। ठीक है, जैसे यस करेंगे ये देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अभी जब हम फाइलिंग करने के लिए जाएंगे ना तो हमको एक्नॉलेजमेंट नंबर लगेगा। ठीक है, और हमने कभी फाइल किया था वो लगेगा, तो डाउनलोड पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है, कुछ ऐसा दिखेगा ये। ठीक है, यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और डेट ऑफ फाइलिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये जब आप ITR फाइल करेंगे तो ये डालना पड़ेगा। अब आ जाते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे वापस से, ई फाइल सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। अब हम इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट ईयर चूज करेंगे, ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
मैं सेलेक्ट कर लिया और कंटिन्यू पे क्लिक कर लिया। इसके बाद स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल सेलेक्टेड रहेगा, सीधा कंटिन्यू करना है। इसके बाद यहाँ पे ITR 4 चूज करना है, प्रोसीड विद ITR 4 पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आता है, आपको ओके कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल्स आएंगे, इस पर आपको क्लिक करना है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेने हैं, कुछ एडिट वगैरह करना है तो आप एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर आपका सैलरी नहीं है कुछ भी तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कीजिए, लास्ट में दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद फाइलिंग अंडर सेक्शन ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड आएगा, ठीक है, क्योंकि हम ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं इसलिए सेलेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, पहला वाला ही रहेगा 139(1) अगर आप ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप ड्यू डेट के बाद फाइल करेंगे तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फॉर्म 10IE आपको नहीं भरना है और फाइल नहीं कर पाएंगे ओल्ड टैक्स रिजिम में, तो ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में फाइल करना चाहते हैं तो आपको ड्यू डेट से पहले ही फाइल करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे पूछेगा कि क्या ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजिम से, तो हम करेंगे हाँ करना चाहते हैं, विद इन ड्यू डेट हमने किया हुआ है फाइल। डेट डालना है जो हमने फॉर्म 10IE भरा ना उसका डेट डालना है, एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना है जो कि मैंने बताया आपको डालना पड़ेगा। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, बैंक डिटेल्स यहाँ पे देख लेनी है प्रॉपरली, ठीक है। कोई और बैंक ऐड करना है तो ऐड पे क्लिक कर देना है, रिप्रेजेंटेटिव SSC को नो कर देना है, ठीक है। और ये देखना है कि कम से कम एक बैंक तो वैलिडेट होना चाहिए, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए और कंफर्म पे क्लिक कर दीजिए। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉपरली हमने फिल कर दिया है। अब आएंगे ग्रॉस टोटल इनकम पे, सैलरी एग्जम्पशंस कुछ नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, स्किप द क्वेश्चन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे यस कर देना है। यहाँ पे देखेंगे सैलरी हमने नॉट अप्लीकेबल किया था इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, ठीक है। अभी हाउस प्रॉपर्टी का, अगर आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है और उस पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो ऐड पे क्लिक करके सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लिक करके आप इंटरेस्ट का पोर्शन डाल सकते हैं। लेट आउट है तो लेट आउट का भी डाल सकते हैं, उस पर आपको रेंट डालना पड़ेगा और आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन वगैरह हो जाते हैं, ठीक है। हम डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बिजनेस प्रोफेशन गुड्स कैरेज कोई भी ओपन कीजिए, सेम क्वेश्चन पूछा जाता है स्टार्टिंग में, नेम ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है, वो आपको डाल देना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको टर्नओवर डालना है बिजनेस में, ठीक है। अब थ्रू बैंक के थ्रू सारे ट्रांजेक्शन है तो बैंक वाले में डालना है, अगर कैश के थ्रू ट्रांजेक्शन है तो कैश में डालना है, ठीक है। अगर आप कैश में डालेंगे तो आपको 8% प्रॉफिट कम से कम रखना पड़ेगा, और अगर आप बैंक के थ्रू डालेंगे तो 6% मिनिमम रखना पड़ेगा। तो हमारा बैंक के थ्रू पूरा है तो हमने पूरा डाल दिया टर्नओवर और यहाँ पे प्रॉफिट डाल दिया। हमने यहाँ पे टर्नओवर डाल दिया, प्रॉफिट डाल दिया, ठीक है। अभी हम ऐड पे क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक करेंगे हमने बिजनेस एंड प्रोफेशन 44AD यहाँ पे डाल दिया है, ओके। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आता है अदर सोर्स इनकम। अदर सोर्स इनकम में ना सेविंग बैंक के इंटरेस्ट वगैरह रहते हैं तो वो पक्का डाल दीजिएगा, अगर कुछ नहीं रहता तो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट तो पक्का रहता है। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है आपको, और जो जो आपके पास इनकम है अदर सोर्स वाले आपको यस करना है और अमाउंट डाल देना है, ठीक है। सेविंग बैंक का रहता है तो आपको डेफिनेटली डाल देना है, ठीक है। अगर FD वगैरह से नहीं है तो वो आपको नो कर देना है, ठीक है। इसके बाद सेव करना है और नीचे आके कंफर्म पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है डिस्क्लोजर्स एंड एग्जम्प्ट इनकम, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस आता है, इसमें कुछ चीज़ें मैंडेटरी होती हैं जो आपको डालना ही है। ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है, जहाँ पे स्टार मार्क है ना, जैसे क्रिएटर पे स्टार मार्क है तो वो आपको फिल करना ही है, बाकी कुछ फिल करो चाहे मत करो, इसको करना है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, मैं पूरा फिल कर देता हूँ। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश इन हैंड, ये सारी चीज़ें आपको डालनी है, बाकी सारी चीज़ें नहीं डालेंगे तो भी चलता है, ठीक है। बट हमारे पास सारी चीज़ें तो हमने डाल दी यहाँ पे और ऐड पे क्लिक कर दिया, हमने यहाँ पे डाल दिया प्रॉपर बैलेंस शीट के जो डिटेल्स यहाँ पे डाल दिए हैं। इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू टर्नओवर रिपोर्टेड इन GST, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे ऐड डिटेल्स का ऑप्शन है, ऐड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। आपका GST नंबर है तो GST नंबर डालना है, और GST में कितना टर्नओवर आपने मेंशन किया वो आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है, और ऐड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है एग्जम्प्ट इनकम, अगर कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो ऐड डिटेल्स पे क्लिक करके आप एग्जम्प्ट इनकम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आता है, देखिए डिस्क्लोजर एंड एग्जम्प्शन प्रॉपरली हो गया है, अब आता है टोटल डिडक्शंस, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ना यहाँ पे बहुत सारी यस नो के ऑप्शंस रहते हैं, जो भी डिडक्शंस आपके पास अवेलेबल है उसको यस करना है, अदरवाइज नो कर देना है, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ ATC है तो मैंने ATC को यस किया और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया। आपको और भी कोई रहेंगे तो आप यस करके अमाउंट वगैरह डाल सकते हैं, या फिर अगर अमाउंट डालने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप कंटिन्यू करके उस सेक्शन में जाके भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे और कुछ नहीं है।
आपने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अगर डाला है तो एटी टी टी अप्लीकेबल हो जाता है, उसको ए कर यस करना है और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का अमाउंट आपको डालना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एटीसी हमने डाल दिया यहाँ पे। इसके अलावा भी कोई सेक्शंस रहेंगे ना तो ये रहा एटीई एटी डबल ई, सारे डायरेक्शंस मिल जाते हैं। आपको सीधा ऐड पे क्लिक करना है और अमाउंट डाल देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए एटीई है लोन का लिए, लोन का इंटरेस्ट पे करते हैं आप, तो ऐड एटीई पे क्लिक करना है, अमाउंट डाल देना है। वैसे जो भी डिडक्शन है वो ऐड करना है, यहाँ पे सारे डिडक्शन मिल जाएंगे। जैसे सी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे ना सारे डिडक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे, सॉरी शो ऑल डिडक्शन पे क्लिक करेंगे तो सारे डिडक्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक कर दिया हमने। इसके बाद आता है टैक्सेस पेड, टैक्स पेड इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे केस में कोई टैक्सेस टीडीएस वगैरह नहीं कटा हुआ, इसलिए यहाँ पे कुछ इंपोर्ट होके नहीं आ रहा। आपके केस में कुछ टीडीएस कटा रहेगा तो यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाएगा, ठीक है। अभी हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप मई या फिर जून तक जाएंगे और कोई टीडीएस वगैरह कटा रहेगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। कन्फर्म पे क्लिक करते हैं, टैक्सेस पेड हो गया। अभी आता है टोटल टैक्स लाइबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे कैलकुलेशन आपके आ जाते हैं, आपका क्रॉस टोटल इनकम कितना है, डिडक्शन कितना है एंड टोटल इनकम कितना है, इसके बाद टैक्स पेबल कितना आ रहा है, उसके बाद रिबेट भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। 5 लाख से कम है तो रिबेट आपको मिल जाता है। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, सारे कैलकुलेशंस वगैरह यहाँ पे दिख जाते हैं और कंफर्म पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें हमने कंफर्म कर दी हैं, अब हम करेंगे प्रोसीड। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आता है कि आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन भी आपको दिख जाता है। आप चाहें तो कंप्यूटेशन को यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधा प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिक करना है और ये सारी चीज़ एक बार जस्ट चेक कर लेनी है, ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने फॉर्म जो भरा है पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, जितने भी पेज का हो पूरा फॉर्म ओपन हो जाता है, ठीक है। स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाना है, ठीक है, एकदम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करना है। अगर आपने सारी चीज़ें प्रॉपरली भर दी हैं जैसा बताया है मैंने वीडियो पे, तो आपको वैलिडेशन सक्सेसफुल आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको कोई एरर आता है तो कमेंट करके मुझे बोल सकते हैं, अगर मैं कमेंट में सॉल्व कर सकता हूँ तो ओके है, अदरवाइज आप हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई करेंगे और हमारी जो भी पेड जो भी अमाउंट रहेगा हम आपको बता देंगे। अगर आपको लगता है आप फाइलिंग करवा सकते हैं तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। कि प्रोसीड टू वेरीफिकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है और कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे आधार ओटीपी का ऑप्शन चूज करना है, कंटिन्यू करना है और यहाँ पे टिक करके जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आधार ओटीपी आएगा और सबमिट हो जाएगा, ठीक है। आधार ओटीपी आएगा और सबमिट कर देना है, तो ऐसे आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं एरर फ्री। अगर आपको आईटीआर 4 हमसे फाइल कराना है तो आप इंस्टाग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा जो भी फीस रहेगा हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आप फर्दर प्रोसीड करके आईटीआर फाइलिंग हमसे करवा सकते हैं। सेकेंडली हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या फिर करते हैं और आप और ज़्यादा करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नए हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता है, तो आपको एक्सप्लेन करेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बाद कौन से फंड्स आपके लिए अच्छे हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, वो भी हम चूज़ करके आपको देते हैं। इसके बाद हम आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप एप्लीकेशन से ट्रैक कर सकते हैं कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट्स हुआ है, उसकी करंट वैल्यू क्या है। एंड लास्टली हम आपको टैक्स सेविंग भी करा के देते हैं। जैसा कि आपको पता होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अप टू 1 लाख तक एग्जम्प्ट होता है, तो आपका जैसे ही हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक हो रहा है तो हम उसको स्विच करके आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी बचाते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो टैक्स आता है वो भी बचाते हैं, ठीक है। तो पूरा प्लानिंग करके देते हैं आपको, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं उसके लिए भी आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करना है, हम आपको इंस्टाग्राम का लिंक आपको दे देंगे, ठीक है, या फिर नंबर प्रोवाइड कर देंगे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।